एसेंशियल सर्विस के नाम पे हर चीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन चालू है। जो लोग घर पे बैठे हैं उनकी एसेंशियल सर्विस के लिए ट्रांसपोर्टेशन चालू है, लेकिन जिनका कोई घर नहीं है, जो बेघर है, उनकी लाइफ किसी को एसेंशियल नहीं लगती, उनकी जिंदगी किसी को महत्वपूर्ण नहीं लगती। लेकिन कोई नहीं सर, ऊंट लेने के ना हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे, और क्या करेंगे। गरीबों की ना इन्हें भूख दिखाई देती है, ना इनकी बेबस जिंदगी दिखाई देती है। तो मेरी सरकार से अपील है कि जिस तरह आप वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं, उसी तरह आज अपने वोटर्स को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाइए, मदद का हाथ आगे बढ़ाइए, और जो फंसे लोग हैं उनको तुरंत के तुरंत उनके घर पहुंचाइए एक ऑर्गेनाइज तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत है। कल सुबह 5 बजे जो ट्रेन हादसा हुआ औरंगाबाद में, इसकी निंदा सारा देश कर रहा है। हर कोई अपने सोशल मीडिया पर कंडोलेंस लिख लिख कर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। 16 मजदूर दर्दनाक मौत मारे गए एक ट्रेन की चपेट में आके, जिसका मुख्य कारण लॉकडाउन बताया जा रहा है। लेकिन अगर अर्नब की माने तो ये ट्रेन हादसा कोई नया नहीं था, आए दिन लॉकडाउन से पहले भी काफ़ी ट्रेन हादसे होते आए हैं। ये अर्नब बोल रहा है, ज़रा सुनिए। अरे देश में लॉकडाउन के पहले ट्रेन हादसे नहीं हुए क्या? जब आप सरकार लाखों मजदूरों को घर भेज रही है, लॉकडाउन आप बिना कोई रोड मैप के बना देंगे पहुंचाया नहीं, जब ये हादसे कोई जान पूछ कर क्या क्या क्या। इसके हिसाब से इस हादसे के जिम्मेदार ना तो ये बीजेपी सरकार है और ना ही लॉकडाउन को निशाना बनाना चाहिए। लेकिन अगर पालघर में साधुओं की लिंचिंग होती है तो उसकी जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो मेरा अर्नब से ये सवाल है कि ऐसा बायस जर्नलिज्म क्यों? आज सोनिया गांधी, वॉज देयर आइडेंटिटी नॉट विजिबल फ्रॉम देयर सैफरन क्लोथ्स? वॉज देयर आइडेंटिटी नॉट विजिबल फ्रॉम देयर सैफरन क्लोथ्स? हाउ कैन द पालघर किलिंग बी लिंचिंग बी ब्रश्ड असाइड एज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी व्हेन द फैक्ट इज ऑफ द मैटर इज दैट फ्रॉम माइल्स यू कैन रिकॉग्नाइज द सैफरन डॉनिंग मेन एंड साधुस एंड वन ऑफ देम वाज अ 70 ईयर ओल्ड मैन। व्हाट इज देयर अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ दिस पीपल व्हिच इज इन डाउट? और एक बात और मैं अर्नब को कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज को चिल्ला-चिल्लाकर कहने से वो चीज सच नहीं हो जाती। लेकिन यहां पर 16 मजदूरों की जान चली गई है और ये कोई मजाक की बात नहीं है। पता नहीं क्यों सरकार पहले ही लॉकडाउन के पहले ही दिन से मजदूरों की तकलीफों को सीरियसली नहीं ले रही। अगर ली होती तो आज तक उनका जाने का कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर दी होती। 2-4 ट्रेनें चलाने के बाद में हर कोई उसका क्रेडिट ले रहा है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो, रेल मंत्रालय हो, या केंद्र सरकार की पार्टी के कुछ लोग हो, हर कोई ट्वीट कर करके जो है उसका क्रेडिट लेना चाहता है। लेकिन जब ये आज हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। यहाँ पे कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं कि हाँ ये हमारी गलती थी, ये केंद्र सरकार की गलती थी, या ये किसी लॉकडाउन की गलती थी, या किसी और चीज़ की। यहाँ पे जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। लॉकडाउन के पहले चरण से ही लोग अपने घर के लिए, अपने वतन के लिए पैदल निकल चुके थे। कई लोगों की जाने गई रास्ते में, और आज तक लोग पैदल चलते जा रहे हैं, और अभी भी कितनी जाने जा रही। हमने एक स्टोरी कवर की थी जिसके अंदर एक साहू नाम का आदमी मध्य प्रदेश से थाना महाराष्ट्र के लिए चलते हुए आ रहा था। रास्ते में 60 किलोमीटर उस वो आदमी भूखे पेट, खाली पेट जो है चला था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। घर में उसके एक छोटा सा बच्चा था, और जब उसकी मौत हुई तो पुलिस ने एम्बुलेंस करके उसके बॉडी को, उसके शव को उसके घर तक पहुँचाया था। मतलब आज जिंदा आदमी की कोई कीमत नहीं, मरने के बाद में गाड़ी से उसके घर तक उसको पहुंचाया गया। और यही हाल, यही चीज़, यही कहानी रोज का रोज जो है ये हम लोग सड़कों पे देख रहे, हाईवे पे देख रहे, ये होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार ने अब तक के इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया हुआ है। एसेंशियल सर्विस के नाम पे हर चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन चालू है। जो लोग घर पे बैठे हैं उनकी एसेंशियल सर्विस के लिए ट्रांसपोर्टेशन चालू है, लेकिन जिनका कोई घर नहीं है, जो बेघर है, उनकी लाइफ किसी को एसेंशियल नहीं लगती, उनकी ज़िंदगी किसी को महत्वपूर्ण नहीं लगती। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कब सरकार जो है इन चीज़ों को सीरियसली लेगी। ये जो मजदूर है
इनके खून पसीने से ही भारत का विकास होता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और जब आज ट्रेनें चलाई भी जा रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जहां 2,2400 मजदूर प्रवास कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, वहां पे सिर्फ 1200 लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। जहां सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जहां सरकार का फायदा हो रहा है वहां पे, या जहां सरकार को प्रेशर आ रहा है वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की माँ बहन हो तो चलता है, लेकिन यहां पे जहां मजदूर अपने घर तक पहुंच जाए, अगर यहां पे इनको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़े तो वहां पे सरकार को नहीं चल रहा, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का ढोंग चल रहा है, नाटक चल रहा है। 15-16 अप्रैल को WHO का एक प्रोटोकॉल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, ये आपने देखा होगा, और इसको बहुत सारे लोगों ने फॉरवर्ड किया कि इस तरह से जो है लॉकडाउन के फेजेस तैयार किए गए थे कि फर्स्ट फेज यहाँ से यहाँ तक होगा, सेकेंड फेज यहाँ तक होगा, और उसके तुरंत दूसरे दिन तीसरे दिन जो है एक मैसेज आया था, एक न्यूज़ आई थी कि ये प्रोटोकॉल फेक है, WHO ने ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल जारी नहीं किया है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अब तक के वाकई में वही होते आए जो इसमें लिखा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो वाकई में इसी के हिसाब से लॉकडाउन को एक्सटेंड करते गए और आज हम लोग लॉकडाउन के थर्ड फेज में हैं, यानी फाइनल स्टेज पे है। जब सरकार को ये करना ही था तो कम से कम अपने जो मजदूर है, जो गरीब जो अपने घर जाना चाहते, उनका कुछ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से उनका कुछ इंतज़ाम कर दिया होता। लेकिन यहाँ पर सरकार हरिद्वार में फंसे हुए श्रद्धालुओं को 28 बसेस भेज के वापस गुजरात बुला सकती है, MP में फंसे स्टूडेंट्स को वापस बुला सकती है, सिंगापुर में फंसे स्टूडेंट्स को वापस बुला सकती है, लेकिन जो रास्ते पे, जो सड़कों पे, जो हमारे मजदूर गरीब जो हमारे भाई है उनको उनके घर तक नहीं पहुंचा सकती। वहाँ पे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वहाँ पे उनको लॉकडाउन का पालन करना है, लेकिन इन गरीबों की ना इन्हें भूख दिखाई देती है, ना इनकी बेबस ज़िंदगी दिखाई देती है। तो मेरी सरकार से अपील है कि जिस तरह आप वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते हो, उसी तरह आज अपने वोटर्स को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाइए, मदद का हाथ आगे बढ़ाइए, और जो फंसे लोग हैं उनको तुरंत के तुरंत उनके घर पहुंचाइए एक ऑर्गेनाइज तरीके से। लेकिन कोई नहीं सर, ऊंट लेने के ना हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नते करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि इन मजदूरों के खून पसीने से ही भारत का विकास होता है, और अगर यही मजदूर सही सलामत रहे तो कल चलकर ये भारत को एक नई दिशा देंगे, एक नई बुलंदी देंगे। मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं, उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट में अपनी राय देकर बताइए कि सरकार किस तरह से जो है इन फंसे हुए मजदूरों को अपने घर तक सुरक्षित पहुँचा सकती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, मैं फिरोज मेमन, थैंक यू।